सो हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, आई एम आकाश रॉय एंड वेलकम यू वंस अगेन इन आकाश स्टेम एजुकेशन। बच्चों, जो भी ये लोग एक वीडियो को देख रहे हो, मैं उनको थोड़ा चेतावनी, थोड़ा सीरियस होने को बोलूंगा फॉर द वेबजी 2025। मैं बोलने जा रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर जो वेबजी होने वाला है, ऑब्वियसली ये वेबजी नॉट ओनली आपका जेई मेन से टफ देखने को मिलेगा, मैं बोलना चाहता हूँ कि आपके लाइफ पे वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम आपको फेस करना पड़ेगा। अब बोलोगे भैया आप क्यों डराते हो, मैं डरा नहीं रहा हूँ, फैक्ट्स के साथ मैं आपको बोलूंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए आकाश स्टेम एजुकेशन को, 25 WBJ के फुल प्रिपरेशन मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगा अलॉन्ग विद आपके दोस्तों तक भी। इस इंपॉर्टेंट वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा। स्टार्टिंग करने से पहले मैं सब लोगों को बोल देना चाहता हूँ, नवरात्रि, दशहरा, दुर्गा पूजा बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छा सबाई के, सब लोगों को मेरे तरफ से आकाश टाइम एडुकेशन की फुल फैमिली की तरफ से। आप सब लोग इस जो है फेस्टिवल पे आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको सेलिब्रेट कीजिए, अपने माइंड को फ्रेश कर लीजिए, बिकॉज आगे बहुत चैलेंजेस आने वाला है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि क्यों बोलना चाहता हूँ कि 25 का WBJEE बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। पहला तो दो रीजन मुझे लगता है जो ऑब्वियसली आप सब लोगों को जानना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट वन कि WBJEE में आपको 4 घंटे टाइम मिलता है, फर्स्ट पेपर वन के लिए 2 घंटा एंड पेपर टू के लिए भी 2 घंटा, 4 घंटे टाइम मिलता है। इस 4 घंटे में आपको लगभग 145 क्वेश्चंस लगभग सॉल्व करना होता है। सो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ जो कि 145 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना पड़ रहा है विद इन दैट स्पैन ऑफ टाइम। अगर आप ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, ह्यूज अमाउंट ऑफ आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, यू कैनॉट सॉल्व दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, वो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। मैं लिख देता हूं आज के डेट तक के, लिख रखो, आकाश भैया ने बोला जब आपका अप्रैल पे वेबजी होगा उसके बाद एग्जाम देने के आने के बाद बोलेगा भैया आपने ठीक बोला। इट इज नॉट इजी फॉर एनीवन, इफ मी, मैं NITian हूं, मैं IITian हूं, एवरी आफ्टर गेटिंग एवरी डिग्री, मैं ये बोल रहा हूं मेरे पास भी ये आसान नहीं है, किसी के पास आसान नहीं है कि उस टाइम पे जाके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पेपर पे जाके अच्छा करना, जहां पे 145 क्वेश्चंस इतने कम टाइम में आपको सॉल्व करना हो रहा है। इस टाइम पे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, टाइम मैनेजमेंट चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। पहला बात, इसलिए WBJEE टफ होने जा रहा है, टफ होगा। दूसरा एक चीज होता है, जेईई मेंस पे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन रहता है जब क्वेश्चंस आपको शॉर्टकट ट्रिक्स, आप शॉर्टकट वे में सॉल्व कर सकते हो, बट WBJEE का जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड या सेट मैं लास्ट कुछ सालों से देख रहा हूं, दैट इज मुझे लगता है क्वेश्चन जो भी सेट करते हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड से, मैं खुद जानता हूं, एज मैं खुद वेस्ट बंगाल बोर्ड से हूं, दैट इज कि थोड़ा ओल्ड स्कूल मेंटेलिटी के टीचर्स जो है वो अपना क्वेश्चन सेटअप करते हैं। सो दैट आपका क्या होता है कि क्वेश्चन लेंथी होता है, MCQ ही है, 4 ऑप्शन ही है, बट क्वेश्चन लेंथी है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा और करके चारों में से एक आंसर करना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन आप जेईई मेंस पे जाके दो एक मिनट पे या ढाई मिनट, 2 मिनट पे सॉल्व कर पाते थे, उसी क्वेश्चन को 4 से 5 मिनट लग जाएगा WBJEE पेपर में सॉल्व करने के लिए। इट इज ऑब्वियसली ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सर्न फैक्टर फॉर ऑल ऑफ यू। इसके लिए भी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप एंड मेंटल स्ट्रांगनेस चाहिए, वो प्रैक्टिस से नहीं आएगा, अगर प्रैक्टिस ना करोगे तो नहीं आएगा। ये सब कुछ को दिमाग पे रख के मैं ऑब्वियसली आप सब लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा, इन दिस टाइम ऑफ दुर्गा पूजा मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसा कम्युनिटी बनाऊं, एक ऐसा ग्रुप बनाऊं जिसके अंदर आप सब लोगों को ये प्रैक्टिस बोलो, ये आपका कॉन्फिडेंस बोलो, ये आपका डाउट क्लियरिंग बोलो, सब एट ए शॉर्ट कवर आप हो पाए। तो इसीलिए मैंने लेके आया आप सब लोग के नाउ और नेवर बैच, जिसके अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर जो टॉपर्स है WBJEE के, वो आपको प्रिपरेशन करवाएगी, क्लासेस लेगा, आपका मॉक टेस्ट लेगी, डाउट सॉल्विंग होगा, मेंटरशिप होगा, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा एट ओनली द प्राइस ऑफ 399 पे फॉर द दुर्गा पूजा ओकेशन। इस दुर्गा पूजा के लिए मैं ये कमेंट्री रेडी कर रहा हूं, ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपको कंफर्म करता हूं, ये इंडिया का, वेस्ट बंगाल का तो है, इंडिया का चीपेस्ट एंड बेस्ट WBJEE प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म है आप सब लोगों के लिए। ये कॉन्फिडेंट के साथ मैं बोल रहा हूं ज्वाइन करने के लिए, लेट ना करें, बिकॉज हमको टाइम लगेगा आपको बिल्ड करने में। तो आप जल्द से जल्द आप लोग आ जाइए, हम लोग मिलकर प्रिपेयर करेंगे, मिलकर WBJEE क्रैक करेंगे। ये दो तो मेजर रीजन था। द थर्ड रीजन इज कि लास्ट ईयर का सिनारियो, लास्ट ईयर का जितना फ्रॉड, जितना स्कैम होने के बाद जो सिनारियो हुआ नीट पे, जेई मेंस के हाई कट ऑफ के बाद WBJEE में वही सारे बच्चे आके घुस गए और WBJEE कट ऑफ हाई हो गया, जहां पे हम लोग देखते थे कि 60 मार्क्स पे भी जनरल कैटेगरी जादवपुर पे कोई ना कोई ब्रांच मिल जाता, 70-75 मार्क्स पे भी मिलना टफ हो गया इस साल।
सो इट्स द थिंग जो आपको 100% आपका देना पड़ेगा। 200 में से एटलीस्ट 80 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा मिनिमम। जो मिनिमम 60 होता था लास्ट ईयर तक, वो बढ़ के 70, 80, 75, 80 चला गया है। तो आपको प्रेशर भी डबल देना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा टफ लेना पड़ेगा, इस एग्जाम को सीरियस लेना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी आप लोग कर नहीं पाओगे। सुनने में आप लोग हंसी लग रहा है, सुनने में आप सब सीरियस नहीं ले रहे हो, बट मैं सीरियस हूँ इस चीज़ को लेकर, बिकॉज लास्ट 6 साल से 5 साल मैंने किया, 25 में आगे मेरा 6 नंबर साल चल रहा है इस एग्जाम के साथ। तो मैं 6 सेशंस के साथ मैं ये जानता हूँ कि कितना ज़्यादा हार्डवर्क लगता है एक बच्चे को जादवपुर जैसे टॉप कॉलेज को पाने के लिए। तो ऑब्वियसली जिनका रैंक लास्ट ईयर 5000 हुआ, 4000 हुआ, जिनको उसके बाद भी जादवपुर नहीं मिला, वो तो ड्रॉप ले रहे, वो 5-4000 रैंक करके रेडी है आपको फोड़ने के लिए। तो ये दिमाग पे रखो। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है। तो ऑब्वियसली आप सब लोग थोड़ा प्रिपेयर हो जाइए, चौकन्न हो जाइए, अपने मेंटालिटी को स्ट्रांग कर लीजिए, नहीं तो कभी भी ये एग्जाम आप क्लियर क्रैक नहीं कर पाओगे, ये लिख के रखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, वंस अगेन हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू, सब लोग अच्छे से इसको मनाइए। बट हाँ, एग्जाम एंड WBJEE को भी सीरियस के साथ आप प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड थैंक यू टू ऑल फॉर नाउ।